Hello, good morning class 11 students. Today in this video we will discuss about the slope of a line, and this is the topic is related to our chapter number 12, straight lines. Now let us discuss what is the slope of a line. Let us see beta. As you know, all of you are aware of this Cartesian plane. ये आप लोगों को सभी को पता है कि this is our Cartesian plane, this is x-axis, this is negative x-axis, this is y-axis and this is negative y-axis. Now what we will have to discuss कि अगर मैंने यहाँ एक line draw कर दी है इस तरह से, अगर मैंने एक line draw कर दी जो origin से भी pass हो रही है हमारी, this is the origin, the coordinates are 0 and 0, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो एक line pass कर रही है, ये x-axis के साथ अगर angle theta बना रही है तो यहाँ पे क्या एंगल बनाएगी? तो इस लाइन में साथ वाले एक्सिस के साथ किस टाइप का एंगल फॉर्म करना है? व्हाट यू कैन से दिस इज 90 माइनस थीटा. दो तरह से ये लाइन एंगल बना रही है. एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा इसका? एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा, तो वाई एक्सिस के साथ एंगल 90 माइनस थीटा. तो ये जो आपका थीटा एंगल है, यही आपका किस का काम करेगा? इंक्लिनेशन का काम करेगा. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन. क्या कहेंगे? द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन, द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन. पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम क्या कह रहे हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन कह रहे हैं, या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, और यू कैन से इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. एक्स एक्सिस के साइड जो एंगल बनाएंगे उसको हम इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन का नेम ले रहे हैं. और अगर हम कहें कि इफ अ लाइन, इस तरह से कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर जो आपकी लाइन है एक्स एक्सिस के, यानी ये जो लाइन है ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ जाए या इसके पैरेलल में आ जाए, तो एंगल क्या होगा? जो इंक्लिनेशन होगा आपका, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज जीरो डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड विद वाई एक्सिस द इंक्लिनेशन इज, वाई एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होगा बेटा, या जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री का बन जाएगा. यानी वाई एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन 90 डिग्री और एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन आपका 0 डिग्री. अब बात करते हैं स्लोप की. स्लोप क्या है? इस स्लोप ऑफ अ लाइन हम कह रहे हैं कि द एंगल थीटा, एंगल थीटा क्या था हमारा, विच इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, सो टेन थीटा, यानी जो भी एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ बना था उसके साथ क्या किया हमने, उसके साथ हमने टेन लगा दिया. सो दिस टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन. टेन थीटा को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन. इसी तरह से द स्लोप ऑफ अ लाइन आप क्या कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, द स्लोप ऑफ अ लाइन विथ इंक्लिनेशन, और यू कैन से थीटा इज 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ये आपको पता है बेटा कि आप टेन थीटा को या टेन 90 डिग्री को क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड फॉर्म लिखते हैं, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं करते. और स्लोप ऑफ अ लाइन को किससे डिनोट करेंगे? इसकी नोटेशन है स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय एम.
तो m क्या हो गया आपका, m इज इक्वल टू tan थीटा, इस तरह से लिखेंगे। और जो थीटा है आपका वो क्या नहीं हो सकता, 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो एक और बात निकल के आई सामने इस रिजल्ट से कि स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन किसके साथ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज जीरो एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। दो चीजें हमने कर ली कि अगर एक लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, उसका स्लोप क्या हो रहेगा, जीरो रहेगा। और अगर वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो जो उसका स्लोप होगा वो कैसा होगा बेटा, वो स्लोप हमारा नॉट डिफाइंड रहेगा, हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे। चलिए अब हम स्लोप की बात तो कर ही रहे हैं, अब हमने एंगल से स्लोप निकाला, अब स्लोप का और मेथड है। स्लोप हम किस बहुत सारी टाइप से निकाल सकते हैं। अब मैं क्या लिख रही हूँ, मैंने लिखा स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन इट्स टू पॉइंट्स आर गिवन। हम एक लाइन का स्लोप कब लिखना चाहते हैं, जब आपको उसके दो पॉइंट्स गिवन हो या उसके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तब किस तरह से हम इस स्लोप को डिफाइन करेंगे। देखिए बेटा, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं एक्स वन वाई वन, एंड एक क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए हैं एक्स टू वाई टू। बी द टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, ये एक लाइन के दो पॉइंट्स हैं, पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से इसका स्लोप निकालना चाह रहे हैं। तो स्लोप ऑफ अ लाइन या टेन थीटा, स्लोप ऑफ अ लाइन और यू कैन से टेन थीटा और यू कैन से एम, कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया और फिर क्या किया, एक्स टू माइनस एक्स वन को, दोनों को इस तरह से हम लिख देंगे कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो दिस इज आर स्लोप ऑफ लाइन। अब देख लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन है तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट्स रहेंगे, हम कह रहे हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स आपकी पैरेलल हो जाए तो उनके स्लोप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन क्या होगा, देन दे मेक सेम एंगल विद एक्स एक्सिस। भाई अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनेगा, सेम ही एंगल बनेगा। तो आप क्या कहेंगे कि द स्लोप ऑफ बोथ लाइंस, स्लोप ऑफ बोथ लाइंस इज सेम। यानी कि अगर हम ये कहें कि लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय लाइन एल एंड बीटा बी द एंगल मेड बाय लाइन एम व्हेन एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। हमने कहा कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या रहेगा, हम निकालेंगे टेन अल्फा स्लोप के लिए और क्या होगा टेन बीटा। यानी अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं तो पैरेलल लाइंस का जो स्लोप है वो कैसा आएगा, दोनों का स्लोप सेम आएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एम वन पहली लाइन का स्लोप है, एम टू सेकेंड लाइन का स्लोप है, तो क्या रहेगा, स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स आर
सेम, यानी एम वन इज इक्वल टू एम टू। अब बात करते हैं बेटा इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। हम कह रहे हैं कि अगर जो दो लाइन्स हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बेटा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो उनके एंगल्स के बीच का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर मैंने कहा कि जो लाइन है मेरी फर्स्ट लाइन, लेट लाइन एल मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, मैंने कहा कि ये जो मेरी एल लाइन है ये अल्फा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो जो लाइन एम होगी बेटा, द लाइन एम मेक्स एंगल, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, तो मेक्स एंगल अल्फा प्लस 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर है तो दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये अल्फा प्लस 90 इसका एंगल बढ़ जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं बेटा दोनों का स्लोप। देखो हमने लिखा स्लोप ऑफ लाइन एल, यानी एम वन ले लिया मैंने, इसका तो सिंपल है स्लोप क्या आया, टेन अल्फा। अब हमने बात की स्लोप ऑफ लाइन एम, स्लोप ऑफ लाइन एम इसका हमने एम टू लिया है, तो मैंने लिखी अगर एल लाइन का स्लोप हो गया एम वन तो टेन अल्फा, एम लाइन का स्लोप हो गया एम टू तो इसको क्या लेंगे, क्योंकि ये लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा टेन 90 प्लस अल्फा, और टेन 90 प्लस अल्फा बनेगा तो आपको पता है इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आप 90 पे वैल्यू भी चेंज करेंगे यानी माइनस कॉट अल्फा। अब देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है, एम वन इंटू एम टू यानी कि टेन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉट अल्फा। देखिए क्या बना बेटा, टेन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, वन बाय टेन अल्फा, तो टेन अल्फा से टेन अल्फा आपका कट हो जाएगा, द वैल्यू यू विल गेट इज माइनस वन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या रिजल्ट निकल के आया, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, यानी इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस वन। तो इस रिजल्ट को हमें याद रखना है बहुत अच्छे से, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस वन। इस टाइप के क्वेश्चंस या इस फॉर्म के क्वेश्चंस जिसमें ये रिजल्ट यूज होगा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्लोप ऑफ लाइन का ध्यान रखना है बेटा हमें, जब दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो कैसे निकालेंगे, अगर लाइंस पैरेलल हो जाए तो क्या रिजल्ट है, अगर लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होंगी तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। इन सभी रिजल्ट्स को बहुत ही अच्छे से माइंड में रख के ही क्वेश्चंस को हमने करना। सो अब हम थोड़ा सा इसके इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज। देखिए दिस इज आवर एक्सरसाइज 10.1 एंड द क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन स्लोप ऑफ अ लाइन बताना जो ओरिजिन से पास करेगा एंड और साथ में क्या कहा जा रहा है और साथ में कह रहे हैं एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए द पॉइंट इज पी दैट इज 0-4 एंड द पॉइंट क्यू व्हाट इज द पॉइंट क्यू हियर सॉरी द पॉइंट बी इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन तो पॉइंट बी आपका है 8.0। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है बेटा, इसकी स्टेटमेंट को समझना है। देखो
स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है विच पासिस थ्रू द ओरिजन, वो ओरिजन से पास करती है एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनी है इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही निकाल रही हूँ, मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी बी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी बी आपने फॉर्मूला पढ़ा है x1 by x2 यानी 0+8/2 -4+0/2। तो जो पॉइंट आएगा या जो मिड पॉइंट आया वो क्या आ गया, 4, -2। ठीक है जी, तो आपको स्लोप निकालना है एक लाइन का जो या तो ओरिजिन से पास करती है साथ में इसके मिड पॉइंट से पास करती है। तो अब हमने लिखा स्लोप ऑफ अ लाइन या स्लोप ऑफ द लाइन, एक ऐसी लाइन का स्लोप दैट पासिस थ्रू, आप चाहें तो इस मिड पॉइंट का नेम रख लीजिए, मिड पॉइंट को मैंने एम रख लिया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन का स्लोप, पासिस थ्रू ओरिजिन यानी ओ 0, 0 एंड एम यानी मिड पॉइंट 4, -2। बेटा दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमने अभी स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा y2 - y1/x2 - x1, यही तो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा और इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। y2 - y1 तो -2 - 0, x2 - x1 4 - 0 क्या आया, ये -2/4 कट कर लीजिए बेटा, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ जाएगा -1/2। सो व्हाट इज द स्लोप हियर, द स्लोप इज -1/2। इस तरह से बेटा हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं स्लोप के ऊपर ही बेस्ड, स्लोप के ऊपर बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ही बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को आपने यूज नहीं करना और इवन देन यू आर चेकिंग, व्हाट यू आर चेकिंग, शो दैट, पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं, पॉइंट्स है हमारे 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी पाइथागोरस थ्योरम भी आपको यूज नहीं करनी और तब भी आप क्या प्रूव करना चाहते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं यूज करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी ट्राइंगल की तीन लाइंस हैं, यानी किन्हीं भी दो लाइंस की जो स्लोप है या दो लाइंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से स्लोप फाइंड आउट करें बेटा, हम इन पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं, तीन पॉइंट्स हैं, तीनों को एज्यूम कर लीजिए। फर्स्ट मैंने ले लिया ए पॉइंट, सेकंड ले लिया बी पॉइंट और जो थर्ड है उसका नेम मैंने रख लिया है सी पॉइंट। लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी लाइन। कैसे निकालेंगे, y2 - y1 वही फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, y2 - y1/x2 - x1 इसी रिजल्ट को यूज करेंगे। देखिए यानी 5 - 4/3 - 4 1/-1 रिजल्ट इज -1। चलिए आगे देखते हैं, अब मैंने स्लोप निकाला है BC का, सेम रिजल्ट -1 - 5 - 1 - 3 यानी -6/-4 कट कर लीजिए, ये आपके पास आ गया 3/2। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया,
स्लोप ऑफ एसी, एसी ए और सी का स्लोप, यानी माइनस वन माइनस फोर, माइनस वन माइनस फोर, क्या आया माइनस फाइव बाय माइनस फाइव, ये आ गया वन। तो तीनों ही लाइंस का हमने स्लोप निकाल लिया बेटा। अब क्या किया, इसके स्लोप को m1 लिख लीजिए, इसके स्लोप को m2 लिख लीजिए, इसके स्लोप को m3 लिख लीजिए। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। m1 और m3 का प्रोडक्ट देखो, m1 इंटू m3, देखिए m1 इंटू m3 क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है वन इंटू माइनस वन, दैट इज माइनस वन। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि m1 into m3 is minus 1, इसका मतलब m1 कौन सी लाइन है, AB, so this AB is perpendicular to, किस पे perpendicular हो गई, AC पे, इसका मतलब जो एंगल A है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल A हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर एक एंगल भी राइट एंगल बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो जो आपकी ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल हमने ए बी सी एज्यूम की है, वो क्या बन जाएगी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और यही हमें प्रूव करना था बेटा कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाउ यू कैन से दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वर्टिसेस आपके राइट एंगल ट्राइंगल के किस तरह से बन जाएंगे, यही हमें चेक करना था। सो दिस इज द वे, आज की वीडियो में इतना ही काम करेंगे बेटा। रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को लर्न रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।